हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सभी वुमेन्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में वुमेन्स को नर्स बनने का मौका यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, आज की यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम, इंटरव्यू वगैरह, फिजिकल वगैरह, इन सभी में क्या क्या कैसे होता है, और इसके लिए आपको कितना टाइम, कैसे, कहाँ, कब, क्या करना होता है, ए टू जेड जानकारी, कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तो चलिए साथियों, अब यहाँ पर मैं आता हूँ एक एक करके पॉइंट वाइज आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट, यानी कि ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, मेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। इसमें आपको जो है नर्सिंग, इंडियन आर्मी में नर्सिंग स्टाफ के लिए आपको यहाँ पर मिलिट्री में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS के द्वारा आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का मौका दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई गई है। इसमें नेशनैलिटी में है मस्ट बी आ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। नंबर दो पर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर अगर आपने बीएससी जो है वो नर्सिंग से कर रखी है और इंडियन नेशनल काउंसिलिंग में आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ये नहीं कर रखी आपने, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखी है नर्सिंग से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आपने कर रखी है, एक भी क्वालिफिकेशन आपकी है, या तो बीएससी नर्सिंग है, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, या फिर एमएससी नर्सिंग है, इसमें से एक भी आपने अगर कर रखा है और इसके साथ ही INS रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए, और इसके साथ ही आप जो है एज अ नर्स रजिस्टर होने चाहिए मिडवाइफी फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग SNC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों क्वालिफिकेशन का। दोस्तों, अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988 से 26 दिसंबर 2002 इन दो के बीच है। अगर 1988 से 2002 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1988 से 2002 के बीच का आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन यहाँ पर आपको नहीं लेनी। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन और आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया। बात करते हैं अब यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस में इन्होंने लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस विल बी असिस्ड एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स बाय मिलिट्री अथॉरिटीज़, यानी कि मिलिट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकली फिट होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि ये चीज़ आपको होनी ही चाहिए, रनिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, फिजिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपका। दोस्तों, अब बता देते हैं हम यहाँ पर मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या मेथड रहेगा, सबसे पहले आपका क्या करवाया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मेथड बताया गया है। तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नंबर स्टेज वन में होगा। इसमें दोस्तों क्या है यहाँ पर अंदर बताया गया है, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो भी इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे, एलिजिबल होंगे, उनका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्ज़ाम आपका NTA के द्वारा कराया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये एग्ज़ाम आपका 24 जनवरी 2024 को फिक्स है। यानी कि MNS का जो आपका एग्ज़ाम है वो 24 जनवरी को होने वाला है
और इसके जो सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में आपके रखे जाएंगे। तो ये चीज़ है, 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों आपके जो CBE एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि नर्सिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज से, जनरल इंटेलिजेंस, तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। पहला नर्सिंग, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं। तो ये तीन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और दोस्तों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों एग्ज़ाम के बारे में, और इसके एग्ज़ाम की कंप्लीट जानकारी आपका रिजल्ट जो है, आप रिज़ल्ट कहाँ चेक करें, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपका जो रिज़ल्ट है एग्ज़ाम का वो आपका वहाँ पर शो किया जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर बताई हुई है। अब यहाँ पर आगे बताया हुआ है, जो भी बच्चे क्वालिफाइड होंगे उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, मेरिट के बेस पर आपको बुलाया जाएगा। जिसकी मेरिट हाई होगी, हाई मेरिट के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड इशू यानी जारी किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। दोस्तों स्टेप वन के बाद आपका आएगा स्टेप टू। स्टेप टू है इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू होगा वो एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेरिट के बेस पर। और ये जो इंटरव्यू होगा आपका दिल्ली में होगा, तो सभी यहाँ पर दिल्ली में आपका इंटरव्यू किया जाएगा MNS का। और यहाँ पर आपके इंटरव्यू के साथ साथ मेडिकल एग्ज़ाम भी करवाया जाएगा, इंटरव्यू और मेडिकल एक साथ करवाया जाएगा। तो पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सबसे लास्ट वाले डे आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा। और इस टोटल प्रोसेस में आपके जो है 3 से 5 दिन लग जाएंगे, 3 से 5 डेज का आपका इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों स्टेप टू, और स्टेप थर्ड में ही आपका मेडिकल फिनिश करवाया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, द फिजिकल फिटनेस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल फाइनली डिटरमिनाइंड बाय मेडिकल बोर्ड अंडर अरेंजमेंट मेड बाय द ऑफिस ऑफ DGA FMS। एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट USG ऑफ एब्डोमेन विल बी डन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि आपका जो है मेडिकल जो है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएंगी। चेस्ट एंड USG ऑफ एब्डोमेन का यहाँ पर टेस्ट होगा, एक्सरे एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर आपका मेडिकल करवाया जाएगा। और जो है दोस्तों यहाँ पर नीचे भी सभी चीज़ें बताई हुई हैं, प्रेगनेंसी आपकी चेक होगी कि कहीं कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंट तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर करवाई जाएंगी, आप देख सकते हैं, फुल्ली पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों इसका लिंक मैं इसके यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेडिकल के बाद आपकी जारी होगी फाइनल सेलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये रहेगा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। और यहाँ पर प्रमोशन, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेंगी, कितने साल के लिए मिलेंगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बताई हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, बाद के काम की हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.nta.ac.in पर आपको जाना है। और 11 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 के बीच आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म आप 11 दिसंबर से भर सकते हैं, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फीस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म की वो 900 रहेगी। तो 900 रुपये आपको लेकर जाने हैं, 900 रुपये में आपका यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखकर इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। दोस्तों यही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं, लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सब चीज़ें ही दे रखी हैं।
और अगर अब भी आपका कोई डाउट या सवाल रह गया है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई साथी ऐसा है जिसने नर्सिंग कर रखी है तो उसको ये वीडियो ज़रूर यहाँ पर आप रेफ़र कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।